नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप रात्रि में। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है अपने आप को संपूर्ण तरह से सुरक्षित रखें। ये जो कोरोना वायरस को लेकर जो है लोगों के मन में एक डर चल रहा है, पहली बात तो ये है कि अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, पर कभी भी जो है ना किसी को पैनिक नहीं करना है, यानी कि उससे ये जो है आतंकित होने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप लोग जो है ना अपने आप को सुरक्षित रखिए, बार बार हाथ धोइए, और उसके साथ साथ जो भी सारे गाइडलाइन जो है सरकार की तरफ से और हु की तरफ से आप लोगों को दिया जा रहा है, यानी कि हम सबको दिया जा रहा है, उसका हम पालन करें। हम नवरात्रि की पूजा करेंगे या नहीं, इस बारे में भी बहुत लोग सोच रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा संक्षिप्त में भी ये पूजा करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, पर सबसे ज़रूरी देश की सुरक्षा है, माँ सब समझती है दोस्तों। इसलिए अगर आप थोड़ा संक्षिप्त में ये पूजा का आयोजन करते हैं और आपके पास जितने सामग्री है उससे अगर आप इस पूजा का आयोजन करते हैं तो कोई समस्या उसमें नहीं है। वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि इस समस्या में धूप पूजा हमारे लिए सबसे उपयुक्त लग रहा है, क्योंकि इससे जो है हम सामग्री स्टोर करके भी रख सकते हैं, धूप के सामान वगैरह जो कुछ भी है, और उसमें पूजा में भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि 25 तारीख जो है नवरात्रि है और 31 तारीख जो है बहुत सारी जगह पर जो है लॉकडाउन चल रहा है। हमारे पूर्वी के राज्यों में भी आज के दिन लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग सुरक्षित रहिए। हाँ, अगर आप लोग धूप पूजा करना चाहते तो आप कीजिए, आप लोग धूप दीप आरती पूजन जो कुछ भी करना चाहते वो आप कीजिए, वो बहुत समस्या नहीं है। पूजा चाहे संक्षिप्त हो या फिर बहुत बड़े आकार में हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, हम पूजा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि क्या हम पूजा स्किप करें या नहीं, और बहुत सारे लोगों ने जैसे कि मुझे कहा है कि ये धूप पूजा बहुत कारगर है इस समय में, तो आप धूप पूजा के माध्यम से ही पूजा कर लीजिए दोस्तों, समस्या नहीं है उसमें। आप अगर चाहे तो केवल अष्टमी के दिन ही भोग लगा सकते हैं माँ को, या फिर जो है कोई विशेष नियम है वो आप अष्टमी नवमी में से किसी एक दिन जो है उस नियम का पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों मैं आपको जिस विषय में बताने वाला हूँ, वैसे इस विषय को लेकर यानी कि कोरोना विषय को लेकर इतना ज़्यादा लोग चिंतित है, तो इसी विषय में मैं बहुत सारे लोगों से बात भी कर रहा हूँ, उन्हें समझा रहा हूँ कि आप लोगों को और हमें सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, पर किसी भी प्रकार की डर को अपने मन में बैठने मत दीजिए। डर जो होता है वो मन में अगर बैठ जाता है तो वैसे ही जो होता है ना, मतलब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से लड़ने की शक्ति जो है ना वो हम खो देते हैं। इसलिए डरिए मत, अपने आप को सुरक्षित रखिए। मैं यहाँ पर आपको वो अखंड धूप के बारे में, जो कि मुझसे कई सारे लोगों ने जानना चाहा था कि अखंड दीप तो हम लोग करते हैं, पर अखंड धूप हम अगर रोज़ जलाकर रखना चाहते हैं, यानी कि जो है 9 दिन तक जलाकर रखना चाहते हैं, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो पहली बात तो दोस्तों, अखंड धूप अगर आप 9 दिन तक जलाना चाहते हैं, यानी कि धूपाग्नि और होम अग्नि जो होता है, बहुत सारे लोग जो है उसे 9 दिन तक जलाकर रखते हैं, पर उनके वहाँ पर वैसे व्यवस्था होती है, खासकर ये मंदिरों में की जाती है, खासकर ये मठों में की जाती है आयोजन, क्योंकि वहाँ पर होमाग्नि और धूपाग्नि को देखभाल करने के लिए एक या दो लोग जो है प्रतिदिन जो है उस काम के लिए ही उसे नियुक्त किया जाता है। जैसे कि पहले दिन किसी एक को नियुक्त किया जाता है, दूसरे दिन किसी दूसरे को, तो इस तरीके से जो है ना उस होमाग्नि या फिर धूपाग्नि की देखभाल करने के लिए हर कोई रहता है अखंड धूप के, और उसी होमाग्नि और धूपाग्नि से ही जो है ना, चाहे आप धूप हवन करें या फिर विस्तृत से हवन करें तो, या फिर महाआरती ही करें, तो वो जो होता है नवमी के दिन जाकर वो संपूर्ण आरती पूजन हवन ये सब कुछ होता है। पर हम घर पे जो है ना साधारण तौर पर ये चीज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रतिदिन हमारे लिए संभव नहीं होता है, और हर किसी को जैसे कि अलग अलग व्यक्ति को हम घर पे जो है ना ये दायित्व नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि नवरात्रि के एक पूजन जो करते हैं वो एक या दो लोगों की जो है ना इस चीज़ में पूरा इन्वॉल्व होते हैं, और बाकी लोग उन्हें शायद थोड़ा मदद करते हैं, पर ये चीज़ इसलिए घर पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं दोस्तों, कि प्रतिदिन हम जो है ना सुबह से लेकर संध्या तक अगर हम जो है अखंड धूप जलाते हैं,
तो भी चलेगा। जैसे कि आप देखिए, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच जो है ना मंगल धूप जलानी चाहिए, और उससे जो है ना संध्या तक, यानी कि संध्या आरती के समय तक जो है उसे जलाकर रखना चाहिए दोस्तों। तो ये भी एक तरीके से अखंड धूप ही हो गया, पर ये जो होता है प्रतिदिन का होता है, यानी कि हमें जब संकल्प लेना है अखंड धूप के, तो उस समय जो है ना हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम प्रतिदिन अखंड धूप जलाएंगे। यानी कि ये भी एक प्रकार से दिन के अखंड धूप हो रहा है, पर आप अगर लेंगे कि हम अखंड धूप ही जलाएंगे, यानी कि हम पूरे प्रतिपदा से लेकर नवमी तक जो है अखंड धूप जलाएंगे, तो ये संकल्प थोड़ा शायद मुझे लगता है गृहस्थों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको संकल्प लेने समय ये कहना है कि हम प्रतिदिन अखंड धूप जलाएंगे, यानी कि प्रतिदिन अलग अलग करके जो है ना, यानी कि प्रतिदिन के हम अखंड धूप जलाएंगे, केवल अखंड धूप जलाने की संकल्प नहीं लेना है दोस्तों। तो प्रतिदिन जो मैंने आपको कहा कि 6 बजे के भीतर आप जला लीजिए, अगर आपके लिए वो संभव नहीं होता है, क्योंकि कई समय होता है हमें पूजा के साथ साथ काम भी करने होते हैं, अपने छुट्टी तो नहीं मिलता है हर समय, घर पे भी हम लोग बैठे रहते हैं, तो घर पे भी ऐसे हम लोग सोचते हैं कि घर पे बैठे तो घर पे तो काम कुछ नहीं है, बस फ्री में बहुत कुछ कर देंगे, पर ऐसा नहीं है, घर के बहुत सारे काम होते हैं। और घर पे जब छुट्टी लेकर मैं रहता हूँ तो समझ में आता है कि सच में बहुत सारे कितने ज़्यादा काम होते हैं घर पे। तो इसलिए जो है ना, आप अगर घर पे रहकर भी तो पूजा कर रहे हैं या फिर आप ऑफिस करते हैं, तो अखंड धूप जो है ये मैं वैसे तो आपको कहूँगा कि अगर हो सके तो घर पे आपका कोई हो उस धूप को देखभाल करने के लिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो तभी जो है ना आपको अखंड धूप जलाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उस धूप के देखभाल भी तो आपको करने होंगे ना दोस्तों। तो सुबह अगर आप 6 बजे नहीं जला पा रहे हैं तो आप 9:27 से पहले ज़रूर जला दीजिए, यानी कि आप अपनी पूजा शुरू करने से पहले जो है ना 9:27 से पहले ही आपको एक बार पूजा शुरू करनी होती है, यानी कि दिन की पूजा जो है वो कम से कम 8 से 9 बजे तक के बीच एक बार हो जानी चाहिए, यानी कि 9:27 जो होता है वो पूर्वाह्न का समय होता है, तो उससे पहले जो है ना दिन की जो पूजा है वो हो जानी चाहिए। तो इस समय से पहले जो है ना आप अखंड धूप जो प्रतिदिन के लिए अलग से जला रहे हैं उसे आप जला लीजिए। और मैं फिर से आपको कहूँगा कि अगर आप जो है भागा दौरी में रहते हैं तो आपको जो है ना किसी को अगर देखभाल करने के लिए आप रख पाते या फिर आप खुद भी उस चीज़ के उस धूप के देखभाल कर लेते हैं अखंड धूप के, तभी आप रहिए, क्योंकि जलाकर अगर वो बुझ जाता है ना तो बाद में जाकर शायद आपको मन में ही कई सारे ऐसे शंका होगी कि इससे शायद कोई अमंगल हो सकता है या फिर कोई डर बैठा जाता है मन में। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर आप अखंड धूप अखंड दीप ये सब कुछ तभी करिए जब आप प्रतिदिन कर पाएंगे या फिर अखंड तरीके से इसे जला पाएंगे। तो प्रतिदिन के अखंड धूप करने के लिए भी आपको सुबह 6 बजे से लेकर जो है यानी कि 4 बजे जलाना तो सबसे अच्छा होता है, पर फिर भी ठीक है आप 6 बजे ही जलाइए, तो 6 बजे से लेकर जो है ना संध्या तक भी जो है ना उसके देखभाल करना पड़ता है, यानी कि संध्या आरती के समय तक। तो ये आप किन किन चीज़ों से जला सकते हैं, पहली बात तो नारियल के छिलके इन या फिर गोबर के कंडे, इससे तो जलाना बहुत कॉमन होता है, उसमें आप राल धूप ये सब कुछ, दशांग धूप, अष्टांग धूप, षडंग धूप ये सब कुछ तो आप दे ही सकते हैं, इसमें आप गुड़ का प्रयोग ज़रूर कीजिए। पर इसमें क्या करना होगा, आपको छोटे छोटे ना देवदारू के एक कास्ट के जो पीसेस मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, उससे जो है ना आपको वो धूप के साथ साथ उसे घी मिलाकर जो है ना, यानी कि उसे घी में मिला लीजिए, उस देवदारू के जो छोटे छोटे काट के टुकड़े होते हैं और घी में मिलाकर वो जो है ना वो आप जब सुबह के समय जला रहे हैं पहली बार अखंड धूप, तो उसमें आप दे, तो ये धीमे धीमी करके है ना, यानी कि इससे धुआं निकलता रहेगा अग्नि की उपस्थिति उसमें है तो धीरे धीरे उसमें से हुआ निकलेगा और ये जो है ना पूरे दिन तक जलता रहेगा संध्या के आरती के समय तक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप गोबर के कंडे में जलाएं, आप नारियल के छिलके में जलाएं, आप दशांग धूप दें, आप धूप सामग्री होम सामग्री जो भी चीज़ें आप दें उसमें आप बहुत पर्याप्त मात्रा में घी दें, आप शहद दें और गुड़ का इस्तेमाल आपको करना है, पर आपको देवदारू के जो छोटे छोटे काट के जो टुकड़े हैं उसे घी के मिलाकर उसमें आपको रख देना है। तो देखिएगा दोस्तों एकदम सुबह से लेकर जो है ना शाम तक, यानी कि शाम की आरती के बाद भी वो जलता रहता है, तो आप इसे अगर चाहे तो 8 बजे तक भी इसे जलाकर रख सकते हैं उस दिन के लिए,
क्योंकि ये हम दिन के लेट है। यही प्रक्रिया जो है ना, यही प्रक्रिया जो अखंड तरीके से, यानी कि होमाग्नि या धूपाग्नि जो लोग जलाते हैं तो वो भी अखंड तरीके से 9 दिन तक करते हैं, पर ये देने के लिए यानी कि घी और ये काष्ठ देने के लिए ना किसी को नियुक्त किया जाता है। तो हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम जो है 9 दिन तक रात्रि का जागरण करें। तो इसलिए जो है ना, आप प्रतिदिन के अखंड धूप जलाइए और यही संकल्प लीजिए। जैसे कि अखंड दीप भी बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं और प्रतिदिन के भी लिए जा सकते हैं उसे, और उसके साथ साथ जो है ना अखंड तरीके से भी जलाए जा सकते हैं। तो आप अखंड धूप और दीप का संकल्प या फिर वो आप तभी रखें जब आप उसे देखभाल कर पा रहे हैं या फिर आप जो है पूरे समय जो है घर पे रह रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अखंड धूप के बारे में ये जानकारी आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इस बारे में और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे वो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों, और साथ साथ जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से आपको कहूँगा कि सुरक्षित रहिए, किसी भी प्रकार की डर अपने मन में मत बैठाइए, अपने को सुरक्षित रखिए, अपने आसपास को लोगों को जो है ना सुरक्षित रहने में आप मदद कीजिए, यानी कि उनसे ये जो है सही वार्ता करें, किसी भी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन या फिर डर लोगों के मन में ना बैठाए दोस्तों, या फिर आप खुद भी उसका स्वीकार ना रहे, सुरक्षित रहे। बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ से हम लड़ लेंगे दोस्तों, हमारे पास वो शक्ति है, एकता में हमारी वो शक्ति है। तो इसलिए जो है ना इस बात का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ब्रेक द चेन, यानी कि चेन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप घर पे ही रहे ज़्यादा से ज़्यादा समय, खासकर बुज़ुर्गों को जिनके उम्र जो है ना 60 या फिर 62 साल के ऊपर है, तो उन्हें जो है ना घर पे ही ज़्यादा रहना चाहिए। इस बात को, अपने सुरक्षा की इन चीज़ों को सरकार और हु के गाइडलाइन के तहत ही आप मानकर चलिए दोस्तों। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।